मैं जावेद मलिक हूँ। मैं एज ए मेडिकल डायरेक्टर बैतुल सुकून में काम करता हूँ और ज़ियाउद्दीन में एज ए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। मेरा रोल जो है वो ये कि मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन एंड दोनों बोथ इसको कवर करता हूँ दोनों जगह। सो फॉर बैतुल सुकून का जहाँ तक मामला है, वो 1999 मैडम जैनब और मैं जावेद मलिक ने मिल करके इसको शुरू किया एक घर में, KDS के नंबर 1 में था और बहुत एक किराए का घर हमने शुरू किया था, उससे हमने आगाज़ किया। और इसमें हम कम्प्लीट ये ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर मरीज़ को क्या ट्रीटमेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर आखिर एक चीज़ जो है, जो हॉस्पिस जो पाकिस्तान में तकरीबन नहीं है कहीं भी, वो हॉस्पिस सपोर्ट भी हम देते हैं, यानी कि जो एंड ऑफ द लाइफ है पेशेंट की, कैंसर मरीज़ की, उसको कितना कम्फर्टेबली हम कवर कर सकते हैं, उसकी वो काम भी बैतुल सुकून में किया जाता है। बैतुल सुकून इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 99 से लेकर के 2019 तक 22,790 मरीज़ देख चुका है, यानी नए पेशेंट, और कीमोथेरेपी उसने 23,375 किए हैं, जिसके अगर कोर्सेज में हम जाते हैं 1,50,000 के करीब है। रेडियोथेरेपी हमने 4,894 मरीज़ों की हैं, जो कि उसके फ्रैक्शंस में अगर हम जाते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। सर्जरीज हमने 4,111 की हैं, और हॉस्पिस सपोर्ट जो एंड ऑफ लाइफ कम्फर्टेबल एंड ऑफ लाइफ देने की जो सर्विस है, वो हमने तकरीबन 18,000 से 20,000 लोगों की हैं। बैतुल सुकून में तमाम कैंसरों के अलावा प्रोस्टेट कैंसर का भी इलाज होता है, और हम कोशिश ये करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर और जो ऐसे कैंसर्स हैं जिनकी स्क्रीनिंग हो सकती है उसकी स्क्रीनिंग की जाए। और इस तरह से प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग भी जो है वो PSA के ज़रिए होती है। किसी भी पेशेंट की कोई सिम्टम अगर ऐसे होते हैं तो हम उसको PSA करने का एडवाइस करते हैं। PSA जब उसका अगर रेज्ड आता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम लेके जाते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है, सिंपल इन्वेस्टिगेशन ये है कि प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और उसमें अगर कोई लीजन आता है तो उसकी हम बायोप्सी कराते हैं। मल्टीपल बायोप्सीज की जाती हैं प्रोस्टेट के मुख्तलिफ एंगल से। इसी तरह से अगर कभी अगर ऐसा ये पॉसिबल नहीं होता तो हम यूरोलॉजिस्ट को भेजते हैं, जो कि ट्रप के ज़रिए यानी कि सिस्टोस्कोपी एंड बायोप्सी करता है। प्रोस्टेट कैंसर हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट भी हार्मोन के ज़रिए होता है, और इसमें मुख्तलिफ कस्म के हार्मोन इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा मेन कैंसर, तमाम कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होती है, लेकिन प्रोस्टेट के अंदर सर्जरी बहुत कम ये होता है, इसलिए कि प्रोस्टेट के अगर हम बहुत अर्ली डायग्नोस कर पाते हैं तो T1 लीजन तक, तो T2 तक का हम सर्जरी को ऑफर करते हैं, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान के अंदर हम लोग सर्जरी का ऑप्शन नहीं ले पाते हैं, तो फिर हमारे पास जो दो ऑप्शन रह जाते हैं, एक हार्मोनल थेरेपी और दूसरी रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी भी हम ज़ियाउद्दीन में करा, बैतुल सुकून के जो पेशेंट हैं उनकी रेडियोथेरेपी ज़ियाउद्दीन में होती है, और हम उस यहाँ से पेशेंट को वहाँ रेफ़र करते हैं। अच्छा, कैंसर के बारे में जो असल चीज़ है वो ये कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कैंसर जितना जल्दी डायग्नोस होगा, यानी जितना अर्ली डायग्नोसिस होगी, उतने उसके क्योर होने के चांसेज, यानी उसको मुकम्मल सही होने के चांसेज उतने ही बढ़ जाएंगे। इसलिए लोगों को ये चाहिए कि अपने जो भी कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए जितना जल्द से जल्द डॉक्टर्स और को रजू करें, और प्रॉपर जो उसकी स्क्रीनिंग है उसके थ्रू गुजरें, और जल्दी से जल्द उसकी बायोप्सी कराएं, और बायोप्सी के बाद उसको जल्द से जल्द इलाज करने की कोशिश करें।